हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज दीपक यादव और अभी सुबह के बज रहे हैं 6। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अभी मेरे चैनल पे डेली डेली वीडियोस आएंगे। पिछले कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब डेली वीडियोस आएंगे, तो देखते हैं क्या क्या बनता है व्लॉग में, क्या क्या शूट होता है। आज पूरे दिन का जो भी रूटीन होगा आपको दिखाएंगे, उसमें जो भी अच्छी चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगे। एक और बात, आपको एक या दो दिन में बहुत ज़बरदस्त व्लॉग देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम मेरी मुंबई की सोलो ट्रैवलिंग की वीडियो है, जो मैंने सोलो ट्रैवल किया था फर्स्ट टाइम मुंबई में, और मेरे लाइफ में फ्लाइट का भी पहला एक्सपीरियंस था। तो सारा कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और बहुत जल्दी वो ब्लॉग एडिट होकर आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए टेम्परेरी में एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एक और ब्लॉग आपको आएगा, वो ज़बरदस्त रहेगा। सुबह सुबह जब भी मैं अपनी छत पर आता हूँ, मेरी मुलाकात इन लोगों से ज़रूर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आके बैठे हुए हैं, तो इनको मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ, कभी कभी मेरे पास मेरे घर पे अगर रोटियाँ वगैरह बची रहती तो मैं इनको ले कर डाल देता हूँ, या फिर सुबह मम्मी बना रही होती तो भी ले कर डाल देता हूँ, उससे इनका पेट भर जाता है। तो आप लोग की छत पे भी अगर कौवे वगैरह आए तो आपके घर में जो भी रोटियाँ बची हैं आप इनको डाल दिया करें, अगर आप लोग मार्केट में हैं। अगर आप गाँव में हैं तो आप कुत्तों को खिला सकते हैं, गायों को खिला सकते हैं, हाँ चिड़ियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन मार्केट में इनको खिलाना ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि कुत्ते और गाय वगैरह आसानी से अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं। तो आप लोग अपने घर की बची रोटियाँ इनको खिला सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आपको मेहनाजपुर की सुबह से रूबरू करवाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज हमें एशिया के सबसे खतरनाक सांप रसल स्वाइपर के रेस्क्यू के लिए कॉल आया है, जो कि हमारे यहाँ से करीब 95 से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी यहाँ से चलने के बाद दादो के रेडियो के रेस्क्यू के लिए निकला जाएगा और आगे की कहानी देखेंगे क्या होगा। विकास भाई है और साथ में चाचा जी भी है, ड्राइव कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको आप लोग देख के समझ ही सकते हैं कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं आज एक बहुत ही खतरनाक सांप का रेस्क्यू करने। इंडिया के सबसे खतरनाक सांप होता है ना? हाँ, इंडिया का सबसे खतरनाक सांप है, खतरनाक सांपों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक ऑफ इंडिया। रसल स्वाइपर का रेस्क्यू करने जा रहे हैं हम लोग, और रसल स्वाइपर का पहला रेस्क्यू होने वाला है हमारा। और हमारे यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर जाने चाचा जी? 95 किलोमीटर से लोग जा रहे हैं, 95 किलोमीटर। और वहाँ पर उन्होंने जहाँ पे जाना है उन्होंने रसल स्वाइपर को अजगर समझ के बांध दिया है। चलिए चलते हैं, आगे का सीन क्या आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। और रसल वाइपर के रेस्क्यू के बाद हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में ये दिख गया, तो हमने सोचा क्यों ना ये नज़ारा आपको भी दिखाया जाए। आप लोग देख सकते हैं सारे बैसे एक के बाद एक डिसिप्लिन से रूल्स को फॉलो करते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। एक हम ही लोग हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। खैर, अभी घर चलते हैं, उसके बाद आगे का कैसे ना वो आपको आगे दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग आए हुए हैं हमारे मेहनाजपुर के साई कलेक्शन यानी कि गुड्डू मोरा सर मित्र की दुकान पर। क्यों आए हैं आगे आपको पता चल जाएगा। और अभी हम लोग फिलहाल में आ चुके हैं गुड्डू चाचा की दुकान पर। जी हाँ, ये दुकान गुड्डू मोरा सरमित्र की है, और आज तक जो लोग नहीं जानते थे आज वो लोग जान जाएंगे। मैंने दिखाया और आप लोग देखते हैं अभी सामने गुड्डू चाचा भी है। पोस्टर भी दिखा दिए? हाँ, पोस्टर भी मैंने दिखाया, आप लोग पोस्टर देखेंगे इनका होल्डिंग लगा था। और ज़्यादातर ये दुकान पर नहीं रहते हैं, मतलब इनके जो बड़े वाले बेटे वो रहते हैं, और जब वो अपने स्कूल वगैरह पर चले जाते तो कोई एम्प्लॉय इन्होंने हायर किया उनको रखते हैं। और ये गौरव भैया है, आज हम लोग को कुछ पैंट्स और जीन्स वगैरह लेना था, तो मैं कुछ देख के गया था, फिर मैंने सोचा कि गौरव भैया के साथ में खरीदारी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा, अभी देखते हैं जो जो पसंद आता है फिर आपको दिखाएंगे।
कि मजबूरी में लेना पड़ा है, तो थोड़ा सेंटी हो तो बोल दो तो हमारी खरीदारी पूरी हो गई है यहाँ पे, हम लोगों ने कपड़ा खरीद लिया अपने लिए। और हमारा गिम्बल टूट गया था, हम लोग का गिम्बल जिसमें लोग शूट करते हैं आप लोग देख सकते हैं टूट गया था, लेकिन चाचा जी ने इसको जुगाड़ से बना दिया। जब तक कि हमारा दूसरा गिम्बल आता है तब तक हम लोग इसे फिर काम करने वाले हैं, इसे शूट करेंगे और एक दो रोज में हमारा दूसरा गिम्बल आ जाएगा। गौरव भैया ने ऑर्डर कर दिया है, कल रात को ऑर्डर किया और बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने और दोनों लोगों की खरीदारी पूरी हो चुकी है, अब सबसे मुश्किल टास्क है कि इन कपड़ों को घर तक कैसे पहुँचाया जाए, मतलब कि ये भी एक तरह की लड़ाई है। तो अभी हमारी खरीदारी पूरी हो चुकी है और आप लोग भी आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मेंस के लिए काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, हमारे एज के जो लोग हैं उनको बहुत जबरदस्त कलेक्शन मिलेगा। चाचा जी यहाँ पे अगर कस्टमर्स आते हैं हमारे लोकल के तो उनको कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंट? 20-25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अब जिस रेंज के कपड़े रहते हैं। बाकी आपको ज्यादा टाइम यहाँ पे चाचा जी नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर ही चाचा जी मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरे दिन रेस्क्यू में रहते हैं। एक बात और, अगर आप लोगों को लग रही है कि दुकान नई नई खुली तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये दुकान करीब कितनी पुरानी हुई चाचा जी? 8 साल। हाँ, जहाँ तक हमें भी याद है 7-8 साल, 8 साल हो गए होगा इस दुकान को। 12 दिसंबर 2013 में इस दुकान की ओपनिंग हुई और काफी पुरानी दुकान है, मतलब कि बहुत ज्यादा पुरानी दुकान है। तो अभी दुकान ऐसे ही चलती है लेकिन चाचा जी दुकान में नहीं रहते, पहले स्टार्टिंग में चाचा जी दुकान पे टाइम देते थे ज्यादा टाइम, लेकिन अभी बहुत ज्यादा रेस्क्यू रहता है और बहुत ज्यादा कॉल्स रहता है तो हम लोग का पूरा दिन रेस्क्यू करने में बीत जाता है, दुकान देखने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आएंगे आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा, आज का वीडियो कैसे लगे कमेंट कर जरूर, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाला है, मेरी मुंबई की सोलो ट्रिप की पहली बार जो फ्लाइट का एक्सपीरियंस है, जो पहली बार मैंने मुंबई में एक्सपीरियंस किया वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ।